सीटेड बीटेड के अभ्यर्थी कल मानव श्रृंखला बनाकर शांतिपूर्व धरना प्रदर्शन करने गांधी मैदान पहुंचे थे, मगर गांधी मैदान में इन लोगों को बंधक बना दिया था कल। और रात में कुछ छात्रों की गिरफ्तारी हुई है, करीब 20 छात्र जो हैं वो गांधी मैदान थाना में उनकी रात में गिरफ्तारी हो गई है। अभी तक उन्हें छोड़ा नहीं गया है, ना ही किसी से मिलने दिया जा रहा है। सीटेड के छात्र हैं, इधर उधर भटक रही हैं, बच के जा रही हैं कि कहीं ना इन्हें भी पुलिस गिरफ्तार कर ले। क्या नाम हुआ? पुष्पलता कुमारी, हम वैशाली से आए हैं। वैशाली से आए जी। 20 लोग को गिरफ्तार किया गया जी, 18 लोग को रात में ही गिरफ्तार कर लिया गया था। और जो भी साथी वहाँ पे थाना पे छुड़ाने के लिए जा रहे हैं उनका फ़ोन छीनकर स्विच ऑफ कर दिया जा रहा है और उन्हें भी अंदर ले लिया जा रहा है। हमारे टोटल 20 साथी अभी तक गिरफ्तार हो गए हैं। 20 साथी गिरफ्तार हैं जी। करीब काफ़ी संख्या में कल पहुंचे थे, कुछ ऐसा तो था नहीं, सिर्फ शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन। हम लोग का कल शिक्षक दिवस से सरकार से कुछ आस थी कि हम लोग के लिए नोटिफिकेशन आएगा, तो हम लोग बस एक शांतिपूर्ण ढंग से मानव श्रृंखला का निर्माण, कलापट्टी बांधकर सरकार का विरोध और कटोरा लेकर उच्छाटन का कार्यक्रम कर रहे थे। लेकिन सरकार ने ऑर्डर दिया है कि लोगों को, मतलब कि कल पूरा गांधी मैदान का गेट लॉक कर दिया गया था। हाँ, हम लोग को बस अंदर रखा गया, हम लोग को बाहर नहीं निकलने दिया गया। और 5 सदस्यीय डेलीगेशन टीम को सचिवालय ले जाया गया ताकि आपको वहाँ बात किया जाएगा और आप लोगों के लिए विचार किया जाएगा। लेकिन वहाँ ले जाने के बाद 4 घंटा तक अभ्यर्थी को बैठाया गया और वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अपर मुख्य सचिव हम लोग से बात तक भी नहीं किए। उसके बाद वहाँ से तेजस्वी जी के पास ले गया कि आप लोग तेजस्वी जी से मिलिए, वहाँ आपका बात रखा जाएगा। वहाँ भी जाने के बाद जैसे ही बोला गया कि ये शिक्षक अभ्यर्थी हैं, तो हम लोग को वहाँ से बोला गया कि शिक्षक अभ्यर्थी से नहीं मिलेंगे, ये लोग दंगई हैं, इन लोग को हटाया जाए, इन लोग से कल मुलाकात किया जाए जी। तो अभ्यर्थी जो लगातार, मतलब कि यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं गर्दनी में 1 महीना से, और कल जो इनका प्रोग्राम था और तेजस्वी जिला से अभ्यर्थी आए हुए थे, करीब 2000 की संख्या में अभ्यर्थी यहाँ उतरे हुए थे, तो जब उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं रहा, सरकार का कुछ पॉजिटिव न्यूज नहीं आया, तो अभ्यर्थी आक्रोश में आकर रात्रि में अपना पैदल मार्च ट्रैफिक नियम का फॉलो करते हुए किसी भी परिवहन को, मतलब कि नुकसान नहीं करके, जाम वगैरह से बच के साइड से हम लोग एक मानव श्रृंखला का निर्माण करके चल रहे थे। उसके बाद भी सरकार द्वारा आदेश आया कि इन लोगों को रोका जाए। तेजस्वी आवास में घेरने का प्रोग्राम था, तो हम लोग को मतलब कि वाटर कैनन का गाड़ी मंगवाया गया और हम लोग को वहाँ मतलब रोक दिया गया। 2-4 लोग को पीटा भी गया और उसके बाद मतलब कि 18 साथी को गिरफ्तार कर लिया गया और सुबह में 2 लोग गिरफ्तार कर लिया गया है। मिलने दिया जा रहा है? नहीं सर, कल जो डेलीगेशन टीम थी उसमें मैं खुद गई थी और मेरे साथ हमारे 4 साथी थे, तो हम लोगों को ये आश्वासन दिया गया था कि आप लोगों का जो भी मतलब डिमांड है तो उसको हम लोग फुलफिल करवा देते हैं, जिनसे भी मिलना है। तो सर, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि हम लोग जो हैं, हम लोग सीटेड क्वालिफाइड हैं और 2019 से लेके और अभी तक के जितने भी क्वालिफाइड हैं वो लोग सब के सब प्राइमरी नोटिफिकेशन, सीटेड बीटेड भी कुछ हैं, तो ये लोग प्राइमरी नोटिफिकेशन 7th फेज के लिए मतलब वेट कर रहे हैं। तो हम लोग काफ़ी 3 साल से हम लोग करीब करीब संघर्ष कर रहे हैं और अभी तो कंटिन्यू 1 अगस्त से हम लोग का जो गर्दनी बाग में है वो कंटिन्यू प्रोटेस्ट चल रहा था। बट बीच में क्या हुआ कि एक्चुअली सरकार में थोड़ा उथल पुथल हुआ, तो हम लोगों ने सोचा कि सरकार का कहीं ऐसा नहीं हो कि उनका ध्यान हम लोगों की तरफ नहीं जाए, तो हम लोगों ने 22 अगस्त को डाक बंगला चौराहे पे जो प्रोटेस्ट रखा था, तो उसमें भी सर आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी संख्या करीब करीब 10,000 के आसपास थी। लेकिन जब हम लोग शिक्षा विभाग से या फिर शिक्षा मंत्री से जब हम लोग अपनी डिमांड रखते हैं, तो उन लोगों का कहना है कि आप लोग राष्ट्र के निर्माता हैं, आप लोग इस तरीके से उग्र नहीं होइए, आप लोग धैर्य रखिए। मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि महोदय, ये हम लोगों का धैर्य आपको नहीं दिखा क्या? हम लोग 10,000 की संख्या में थे और चंद पुलिस वाले थे, हम लोग को मारते रह गए और हम लोग मार खा के मुख दर्शक बने रहे, क्या ये धैर्य कम था? अगर हम लोग उस समय उग्र हो जाते तो ये उनको भी पता था कि इतने सारे स्टूडेंट का आक्रोश को रोक पाना उनके लिए संभव नहीं था। कल जब सर हम लोगों ने काली पट्टी बांध करके और चैन, जी सर, चैन बनाने का, हम लोगों ने मानव श्रृंखला निकालने का जब हम लोग का प्रोग्राम था, तो प्रशासन को पहले से ही पता था, तो गांधी मैदान का 12 गेट जो है, 12 के 12 गेट को लॉक करके जलियांवाला बाग में बदल दिया गया। खोला किस वक्त गया था गेट? गेट सर आई डोंट नो कि कब खोला गया है, लेकिन सर हमारे 2000 की संख्या में जो स्टूडेंट थे वो लोग इसके अंदर थे और बाकी जो भी थोड़े दूर दूर से आ रहे थे वो लोग सबके सब गेट के बाहर थे। यहाँ तक कि सर जो मीडिया कर्मी है, काफ़ी सारे मीडिया कर्मी भी बाहर ही फंसे हुए थे, उन लोग को भी अंदर नहीं आने दिया गया। तो ऐसा क्या हो गया कि रात में गिरफ्तार करना पड़ गया आप लोगों को?
सर एक्चुअली जब यहाँ पे हम लोगों को बोला गया ना कि आप लोग रोड पे नहीं निकलिए, दिक्कत होता है, हम लोगों ने उनसे बोला कि सर रोड पे निकलने की हमारी कोई भी मंशा नहीं है, हम लोग मानव चेन बना के और साइड साइड से जाएंगे, हमें भी पता है शिक्षक दिवस है और हम लोगों की क्या मर्यादा है, हम लोग बस अपना विरोध जताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनके द्वारा, उनको शायद ऐसा लग रहा था कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा संख्या में कहीं कुछ उग्र प्रदर्शन ना कर दे, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आपकी जिनसे भी डिमांड है हम आप लोगों को मिलवा देंगे डेलीगेशन टीम के थ्रू। तो हमारे जितने भी स्टूडेंट थे उनमें एक संतोष का भाव था। जिस समय हम लोगों को डेलीगेशन टीम के द्वारा ले जाया जा रहा था उस समय सर उनके चेहरे का जो भाव था ऐसा लग रहा था कि शायद आज शिक्षक दिवस है और कुछ ना कुछ जो हम लोगों का 3 साल का सूखा है वो आज जरूर एटलीस्ट नोटिफिकेशन ना सही तो शेड्यूल तो जरूर आज हम लोगों की झोली में भर दी जाएगी। हम लोगों ने कल कटोरा लेकर भिक्षाटन का कार्यक्रम किया, ये उम्मीद था कि हम लोग के खाली कटोरा में नोटिफिकेशन या शेड्यूल का जरूर कुछ ना कुछ उसमें गिफ्ट मिलेगा। लेकिन जब सर उधर से हम लोग आए, आप खुद ही सोचिए कि 8 घंटे से यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट थे वो लोग सब के सब भूखे प्यासे वेट कर रहे थे ये सोच के कि शायद वहाँ से कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज आए। लेकिन जब वहाँ से आ करके किसी को ऐसा बोला जाए, हम लोग का चेहरा उतरा हुआ देख करके उन लोगों पर क्या बीत रहा होगा, वो लोग तो सर इस उम्मीद में भूखे प्यासे बैठ गए। मिलने दिया जा रहा किसी से भी नहीं सर, किसी से भी नहीं। सचिवालय में हम लोग वहाँ गए तो वहाँ बोला गया कि हाई प्रोफाइल मीटिंग है, तो वहाँ नहीं मिले। फिर हम लोग माननीय डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी के आवास पे गए, वहाँ भी सर हम लोगों से कल नहीं मुलाकात हो पाई और बोला गया कि शायद कल मिला जाएगा आज के बारे में, लेकिन सर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो क्या छोड़ने का कोई प्रोग्राम बना? जी छोड़ने का कोई प्रोग्राम नहीं है, जब तक हम लोग का नोटिफिकेशन रिलीज नहीं हो जाता है तब तक हम लोग इसी प्रकार से निरंतर ऐसे प्रयास करते रहे। आप लोग क्यों भागे भागी थे? सर हम लोग एक्चुअली यहाँ से जो गए थे, यहाँ से थाना में गए थे, तो हम लोग को लगा कि शायद हम लोग उनसे जाके रिक्वेस्ट करेंगे कि सर हम लोग का, पहली बात तो सर ये समझ लीजिए कि हम लोग का रोड पे उतरना मजबूरी है, क्योंकि हम लोग सदन के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं हैं कि हम लोग जाके वहाँ अपनी आवाज़ बुलंद करें। हम लोग अपनी बातों को रोड पर ही रख सकते हैं, अगर आप हमें रोड पर भी बंद कर दीजिएगा तो हम लोग कहाँ जाएँगे। हम लोग कोई खुशी से आंदोलन नहीं कर रहे हैं, अगर आप लोग हमें डेलीगेशन टीम से मिलवा दें, मैं वहाँ खुद जा करके उनसे रिक्वेस्ट की कि सर जो काम कल नहीं हो पाया अगर आज भी आप हमें मिलवा देंगे तो ये बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। अगर हम लोगों को कुछ पॉजिटिव आश्वासन मिलेगा तो कल के कल हम लोग धरना भी खत्म कर देंगे और कोई भी आपको सीटेट के क्वालिफाइड जो भी कैंडिडेट है वो आपको यहाँ नहीं दिखेंगे। हम लोगों का कोई ऐसा मंशा नहीं, हम लोग खुद शिक्षक हैं, हम लोगों को पता है कि विधि व्यवस्था और कानून क्या होती है। लेकिन सर कोई मिलवाए तब तो, हम लोग उस समय से भागे भागे इसलिए क्योंकि जितने भी साथी अरेस्ट हुए ना हम लोग सब बहुत दूर दूर से आए। मैं बेगूसराय से आई हूँ, ये मैम वैशाली से आई है, बहुत सारे जो भागलपुर से महिला है, हम लोग जिस रूम पे रुके हैं सर जिनको कितनी महिलाएं अरेस्ट हैं? महिलाएं सर अरेस्ट तो नहीं है, हम लोग जितने भी मतलब लोग हैं एक्चुअली जितने लोग अरेस्ट हुए हैं ना पुरुष जो भी साथी है तो उनके पास चाबी है और हम लोग सर डर से वहाँ जा नहीं रहे हैं क्योंकि हम लोगों को वहाँ से बोला जा रहा है कि आप लोग हटिए, अगर आप लोग यहाँ पे मतलब पाई जाती हैं तो आप लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हम लोग सर यहाँ घर तो है नहीं ना, हम लोग तो जैसे भी ऊपर से हम लोग को बोला जाता है कहाँ स्टे करना है क्या करना है तो उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे ना, इसीलिए सर हम लोग इधर उधर भागे फिर रहे हैं, आज खाना बदोश का ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। अगर शिक्षा मंत्री या फिर माननीय डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी जो भी है हम लोगों की बात अगर उनके तक जा रही है तो सर से प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हम लोग 2019 से संघर्षशील हैं। आप ये नहीं कह सकते कि अभी हम सरकार बनाए हैं और अभी आपको चाहिए, आपने हमारा संघर्ष देखा है। गर्दनी बाग में 6 अगस्त तक आपके 8-8 MLA आए हैं, तो ऐसा नहीं कि आपके लोगों ने हमारा संघर्ष नहीं देखा, आपने देखा भी और आप युवा हैं। सर प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हम लोगों का धरना खत्म करवाइए और हम लोगों को नोटिफिकेशन प्राइमरी नोटिफिकेशन 7th फेज का सर हम लोगों को गिफ्ट दीजिए, ये हम सारे स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी कृपा होगी। देखिए साफ तौर पर इनका कहना है कि जल्द से जल्द 7th फेज का जो प्राइमरी नोटिफिकेशन है उसको जारी किया जाए। हालांकि कल शांतिपूर्वक मानव श्रृंखला बनाकर गांधी मैदान से डाक बंगला जाने के लिए रेडी थे मगर इन्हें गांधी मैदान में ही घेर दिया गया। गांधी मैदान का जितना गेट था सारे गेट को बंद करके और इनको अंदर बंदी बना के छोड़ दिया गया था। उसके बाद रात में इन्होंने फिर सोचा कि मानव श्रृंखला बना के शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करें, शांतिपूर्वक डाक बंगला तक जाएँ, मगर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और करीब अभी 20 लोग गांधी मैदान थाना में है ना, हाँ करीब 20 लोग गांधी मैदान थाना में अभी गिरफ्तार पुलिस ने किया गया। उन लोग से मिलने भी नहीं जा रहा है, महिलाएँ हैं
कुछ काफ़ी दूर से आई हैं, भटक रही हैं, ये लोग भी डर डर के इधर उधर जा रही हैं कि अगर पुलिस देखेगी तो इन्हें भी गिरफ्तार कर लेगी। ये लोग की यही मांग है कि जल्द से जल्द जो है नोटिफिकेशन जारी किया जाए, क्योंकि 2019 से ये लोग का जो मामला है वो लंबित है और इन लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस मामले को पे सुनवाई हो और इन लोग का जॉब जो है वो जल्द से जल्द ये लोग को मिल जाए, नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी हो जाए। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के साथ कशिश न्यूज़ के साथ आप बने रहें, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।